ए भाई जरा देख के चलो क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का साइकिल ट्रैक है। यहाँ के साइकिल ट्रैक पर दुकानें हैं, खंबे हैं, नाले हैं, ढाबे हैं, पुलिस की चौकियां भी हैं। मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक तक दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन अखिलेश सरकार की साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाने की गुंजाइश नहीं है, अगर है भी तो बहुत मुश्किल। आज इसीलिए हम पड़ताल कर रहे हैं इस ट्रैक की। ये ट्रैक साइकिल के लिए है या फिर सियासत के लिए? अक्सर बात होती है कि विदेशों में बड़ी बड़ी हस्तियां साइकिल पर चलती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। और एक्टिविस्ट कई बार शिकायत करते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान में डेडिकेटेड साइकिल लेन्स नहीं हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने डेडिकेटेड साइकिल लेन्स बनाने का फैसला किया है, इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि इसे चुनावी मसौदे के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और जो साइकिल लेन बनी है वो लाल रंग की बनाई गई है। लेकिन सारी राजनीति को अलग रखते हुए इस पहल को नापने के लिए हम आज नोएडा के सेक्टर 19 पहुंचे हैं और यहां से लगभग 1 किलोमीटर तक हम साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो ये ट्रैक बनाया गया है क्या वो असल में वादे के अनुसार खरा उतरता है या फिर चुनाव से पहले चुनावी शगुफा है साइकिल और साइकिल ट्रैक को प्रमोट करने का। इसके लिए हमने यहां पर एक कैमरा लगाया है, ये गोप्रो कैमरा है जो आगे की वीडियो रिकॉर्ड करेगा ताकि आप महसूस करें कि इस में रास्ते में अड़चने क्या हैं। ये कैमरा हाई क्वालिटी डेफिनेशन की वीडियो करेगा और हम अब आपको लेकर चलते हैं साइकिल के सफर पर और दिखाएंगे कि इस साइकिल के सामने या कहें कि हिंदुस्तान में साइकिल चलाने वालों के सामने कितनी परेशानियां हैं। आइए हमारे साथ। तो इस योजना में पहली बाधा आ गई है, यहाँ गड्ढा है, कचरा पड़ा है और उसके आगे ये नाला खुला है। तो आपको पता होगा कि भाई ऐसे हाल में कोई साइकिल चलाएगा तो पक्का जान से जाएगा, तो ऐसे हालात में हमें साइकिल उठानी पड़ेगी और फिर हमें अपने आगे का सफ़र तय करना होगा। आइए। अब 2 कदम ही चले थे हम कि साइकिल ट्रैक ख़त्म हो गया है, अब आगे आम सड़क है, गाड़ियां आ रही हैं, तो ऐसे में अगर साइकिल कोई चलाएगा तो कितना ख़तरनाक उसके लिए होगा आप समझ सकते हैं। और अगर हम उस साइड आपको दिखाएं तो बिजली के 3 पोल खड़े हैं सामने, ये पोल्स हैं, तो अब हमें मजबूरन सड़क पर आना पड़ गया है अपने साइकिल के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। 500 मीटर बिना ट्रैक पर चलने के बाद अब कूड़े से होते हुए हमें दोबारा ट्रैक मिल गया है, लेकिन जो ट्रैक मिला है इसकी हालत अगर आप आगे ज़रूर देख लीजिए, फ्रंट कैमरे से भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिजली के पोल ट्रैक के बीचों बीच खड़े हैं। अरे ऑटो वाले भाई साहब, ये साइकिल ट्रैक पे आपने ऑटो क्यों खड़ा कर रखा है? ये का है? लाल मन राजवर। अच्छा, ऑटो खड़ा है साइकिल ट्रैक पे। अब हमारी अदना सी साइकिल है, सफ़र करने निकले हैं और सामने विशाल का ये ट्रक खड़ा है ट्रैक के बीचों बीच, बिना इस बात का फ़र्क जाने कि भाई ये ट्रैक साइकिल के लिए है या ट्रक की पार्किंग के लिए है। यानी ट्रैक बनाने से नहीं, सोच बदलने की भी ज़रूरत है कि साइकिल का ट्रैक साइकिल के लिए है, आप उसे छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं है। और योजना को पार्किंग वाले ट्रक, टेम्पो, गाड़ियाँ चूना लगा रही हैं। चलिए हमारे साथ। इस साइकिल के निशान पर फिलहाल तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2017 में जब यूपी के चुनाव होंगे तब इन निशानों पर ज़रूर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि पिछले चुनाव जब हुए थे तब अंबेडकर स्मारक में रखे गए हाथियों की मूर्तियाँ चुनाव आयोग ने ढकवा दी थी। आइए हमारे साथ।
तो अब साइकिल ट्रैक के बीच में बस शेल्टर भी आ गया है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सोचिए लोग यहाँ बस का इंतज़ार कर रहे हो, साइकिल वाला यहाँ चल रहा हो। पुअर अर्बन प्लानिंग का सबसे बेहतर जीगता जागता उदाहरण ये है। पीछे बस स्टॉप है, साइकिल लेन है, आप साइकिल लेन का हाल देख लीजिए। लगभग 6 फीट चौड़ी थी, यहाँ पर सिर्फ 3 फीट चौड़ी साइकिल लेन रह गई है। और आगे देखिए पेड़ साइकिल लेन के बीचों बीच आधा खड़ा है। सोचिए आप कोई साइकिल चलाए तो कैसे चलाए। तो हमने अपने साइकिल के ज़रिए दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर साइकिल लेन में साइकिल चलाना कितना मुश्किल है। ये सचमुच मुश्किल काम है। 700 मीटर में हमारे सब्र ने हमारा बांध छोड़ दिया। ये दिखने में जितना बढ़िया साइकिल ट्रैक है, उतनी ही मुसीबतें यहाँ इस साइकिल ट्रैक के सामने हैं। आपने भी देखा होगा कि 2017 में चुनाव है और साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भले ही इस मुद्दे की अभी चर्चा ना हो, लेकिन 2017 में जब चुनाव आएगा तब ये साइकिल लेन ज़रूर चुनावी मुद्दा बनेगी। और इसी कैमरे से शूट की गई फुटेज आपको याद आएगी और आप सोचेंगे कि सचमुच इस साइकिल की राह में रोड़े बहुत हैं। 2017 का जब चुनाव आएगा तो यही साइकिल लेन चुनावी मुद्दा बन सकती है। कैमरामैन डेविड के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा।